नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो एसकेएन यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं, चाहे वो किसी भी ईयर में हो, एसकेएन यूनिवर्सिटी के अंडर अगर अध्ययन कर रहे हैं, तो साथियों उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके साथ ही मैं बता दूं, इसके पहले भी अपनी एक वीडियो आ चुकी है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र क्या है, भ्रमित है और कुछ क्वेश्चन उनके मन में है। और अगर वो क्वेश्चन आपके भी मन में है तो वो कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। अगर आपके मन में है तो इस वीडियो को एंड तक देखना कि सर हमने एसकेएन यू आईडी बना दी, एबीसी आईडी बना दी, इसके बाद में क्या करना है। कि सर हमारे आधार कार्ड में और मार्कशीट में कुछ दोनों में अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में क्या करें। इसके साथ में कुछ विद्यार्थियों का है कि सर हमारे बैक है और हम पास आउट हो गए, फोर्थ ईयर पास आउट हो गए, हमारे बैक है क्या, हमारे को भी करना पड़ेगा क्या रजिस्ट्रेशन। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स का है कि सर एग्जामिनेशन फिलअप कब होगा, मतलब जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो हम कब फिल करें। इसके साथ में सर की एबीसी आईडी और एसकेएन यू आईडी बनाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो सर हम क्या करें। और इसके साथ में ही बहुत सारे की सर हम एसकेएन यू के अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं, नया एडमिशन हुआ है, क्या हमारे को भी बनाना है क्या। कुछ साथी है कि सर हम प्राइवेट कॉलेज में, हमारे को भी बनाना है क्या। बस साथियों, अगर जिसने बना भी लिए ना, वो इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लेना, कंप्लीट जो डाउट है ना आपके सभी क्लियर होंगे, सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। कब आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सी आईडी कहां पर बनेगी, कैसे बनेगी, सारे डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन इसको बना सकता है। जैसे एसकेएन यूनिवर्सिटी के अंडर चाहे किसी में भी हो, वो पढ़ रहा है, तो साथियों उसको क्या करना पड़ेगा, यूजी पीएचडी पीएचडी सभी को क्या करना पड़ रहा है, अभी ये आईडी बनानी पड़ रही है, एबीसी आईडी और एसकेएन यू आईडी। तो पहला डाउट क्लियर। इसके साथ में कि सर हमारे बैक है और हमारी पास आउट हो गई तो हमारे को भी बनाना है क्या, बिल्कुल बनाना है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी तो भरना है, तो उसके लिए आईडी आपको बनानी होगी। अब ये डाउट आपके क्लियर हुए। अब मैं थोड़ी सी एक बार बताता हूं प्रोसेस, उस प्रोसेस के अंतर्गत अगर आपने बनाया है तो सही है, अगर फिर भी नहीं बनाया है तो साथियों एक बार दोबारा से देख लेना, कोई भी करेक्शन किस प्रकार से कर सकते हो वो भी मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। इसके साथ में ही आपको कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, उस चैनल को क्या करना है, ज्वाइन करना है। वहां पर आपको जो साइट की जो लिंक है जहां पर आपकी आईडी बनेगी उसकी लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ में ही आपको आगे एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, किसी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए एसकेएन यू से रिलेटेड या बीएससी एग्रीकल्चर का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपके इस प्लेटफॉर्म ब्राइट एग्रो क्लासेस पर अवेलेबल रहता है। अब साथियों अपन चलते हैं किसकी ओर, अपन चलते हैं प्रोसेस की ओर। सबसे पहली प्रोसेस क्या है साथियों, सबसे पहले आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, skneu.co.in सर्च करना है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, चैनल की लिंक कहां पर है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप सर्च करोगे, सही पहली प्रोसेस बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना फिर बाद में कमेंट करोगे आप। सबसे पहले ये सर्च करना है, सर्च करते ही ये इंटरफेस खुलेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना इस पोर्शन में, और यहां पर आपको क्या करना है, एक बार यहां पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप क्या हो जाएगी, ये वीडियो खुल जाएगी। अब इस वीडियो को सबसे पहले देखना किस प्रकार से खुलेगी। सबसे पहले डिजी लॉकर पर क्लिक करना है, ये क्लिक करते ही साइन इन पर क्लिक करना है, आपके आधार नंबर या मोबाइल नंबर क्या करने हैं साथियों, आपको यहाँ पर इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद में अब बोलेंगे कि सर हमारे आधार कार्ड से कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो वो मोबाइल नंबर लिंक सबसे पहले करवाए, सही, दोनों आपको आधार कार्ड नंबर लगा दो या आप अपने मोबाइल नंबर लगा दो, ये लगाकर यहां से प्रोसीड करते ही आपके क्या आएंगे, ओटीपी आएंगे। यहां से प्रोसीड करते ही क्या आएंगे साथियों, ओटीपी आएंगे, और उन ओटीपी को क्या करना है साथियों, उन ओटीपी को आपको यहां पर लगाना है, लगाने के बाद में क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको क्या सर्च करना है, यहां पर जाना है सर्च में, और सर्च में जाने के बाद में एबीसी आईडी जहां पर मिलती है, एकेडमी
देखना, सर्च करना है यहाँ पर एकेडमिक जो बैंक ऑफ क्रेडिट है ये वाली आईडी बनानी है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको नेम जो आधार कार्ड में है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, गेट डॉक्यूमेंट में आपकी क्या बन जाएगी साथियों, एबीसी आईडी बन जाएगी। क्या बन जाएगा? एबीसी कार्ड बन जाएगा, एबीसी आईडी कार्ड बन जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप क्या कर सकते हो, आपकी जो एबीसी आईडी है, एबीसी कार्ड है, इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो एक छोटी सी प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस क्या हो जाती है साथियों, कंप्लीट हो जाती है। अपनी क्या बन गई, एबीसी आईडी बन गई। कौन सी बन गई? एबीसी आईडी बन गई। अब यहां पर आपको कुछ भी प्रोसेस नहीं करनी, यहां पर आपको कुछ भी प्रोसेस नहीं करनी है। फिर इसके बाद में आपको जाना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में। किस में जाना है? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको करना है। देखो, देखिएगा पूरी प्रोसेस को, देखो यहां तक आपकी कौन सी बन गई, एबीसी आईडी बन गई, सही। दसवीं की मार्कशीट में आधार कार्ड में कुछ भी परिवर्तन है ना, तो उसको क्या कर लेना, सेम कर लेना। इसके बाद में एसकेएनयू आईडी कैसे बनाई, सबसे पहले इस पर जाओगे, जाने के बाद में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जाना है। मतलब कौन से पैनल पर जाना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले पैनल पर जाओगे, मतलब इस वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां पर कॉलेज का नाम सेलेक्ट करने को बोलेगा कि सर ये तो हमारे तो बताता ही नहीं है, जैसे कि अपन ट्राई कर लेते हैं। ये ट्राई करते ही यहां पर क्या बताएगा, कॉलेज नेम सेलेक्ट। अब यहां पर सभी एसकेएन के अंडर जितनी भी कॉलेज है ना, वो सभी सेलेक्ट करने को बोल रहा है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, इसको सबमिट करते ही, इसको सबमिट करते ही क्या करना है साथियों, जैसे मैंने एग्रीकल्चर एमबीटॉक कर दिया, सबमिट करते ही यहां पर क्या पूछेगा, यहां पर सेलेक्ट करना है आपका कोर्स सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका कोर्स है। वो कोर्स सेलेक्ट करने के बाद में आपकी ओबीसी आईडी मांगेगा, क्या मांगेगा, एबीसी आईडी मांगेगा। एबीसी आईडी डालते ही, मतलब कोर्स आपने डाल दिया, कोर्स डालने के बाद में एबीसी आईडी डालते ही आपको क्या करना है, सबमिट करना है। और जैसे ही आप सबमिट करोगे, इसके बाद की मैं प्रोसेस बता देता हूं आपको। देखो ये जैसे ही आप क्या कर दोगे, एबीसी आईडी को अपना कोर्स डालने के बाद में वहां पर एक और चीज मांगेगा, एनरोलमेंट मांगेगा। अगर कोई 2024 के न्यू स्टूडेंट है उनको तो नो करना है और पहले वाले को यस करना है। इसके साथ में एबीसी आईडी आपको डालनी है। एबीसी आईडी डालने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, वो क्या करना है आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद में, मतलब एबीसी आईडी डालते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर जाएगा। ये फॉर्म भरने के बाद में आपको यूजर आईडी और क्या आएगा, पासवर्ड आएगा, यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। इसके बाद में आपको यूजर नेम और पासवर्ड से क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में एडमिनिशन फॉर्म भरना है और ये प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूं। एक मिनट देखिएगा साथियों, देखो यहां से आपको, ये वाला नहीं है साथियों, देखो यहां पर आपको क्या करनी है, यूजर आईडी मतलब जो एसकेएनयू आईडी और पासवर्ड डालने हैं। और उसके बाद में एक फॉर्म भरेगा आपको, क्या भरेगा, एक फॉर्म भरेगा। उस एडमिनिशन फॉर्म को आपको क्या करना है, एडमिशन फॉर्म को फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद में एबीसी आईडी और ये जो रजिस्ट्रेशन की, मतलब ये फॉर्म भरने की ये जो प्रक्रिया है ना, ये 27 तारीख से पहले पहले आपको क्या करनी है, फिलअप करनी है। और फिर भी कोई भी डाउट आता है, इन नंबरों पर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, आप हमारे को अवगत करवा सकते हो। ये आपकी क्या हो जाती है, एसकेएनयू की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में अगर कोई भी स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर में है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। इसके साथ में आप भी अगर इस प्रकार से रिजल्ट देखना चाहते हो, आपका रिजल्ट बेटर करना चाहते हो, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में जुड़ सकते हो। सभी सेमेस्टर की क्लासेस अपने यहाँ पर चलती है। इसके साथ में प्री पीजी, डब्ल्यू एफ ओ, जे आर एफ, सीयूटी पीजी की तैयारी करना चाहते हो,
तो अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस का एक नया लाइव बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ में ही बीएससी एग्रीकल्चर की सभी क्लासेस अपने अवेलेबल है, और कोई भी डाउट हो तो आप इन नंबरों पर क्या कर सकते हो, कॉल मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उससे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे हिसाब से सारे डाउट आपके क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। सभी को आईडी बनानी है, किस प्रकार से बनानी है, और एग्जामिनेशन फॉर्म की मैं बता देता हूं कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा साथियों, वो अभी तक उसकी कोई अपडेट नहीं है। अभी तक ओनली एडमिशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन और दोनों आईडी आपको बनानी है। सही, सारी प्रोसेस मैंने बता दी है। किसी ने कोई भी गलती की है तो उसको सुधार कर लेना, अभी करेक्शन कर लेना, इसके बाद में ऑप्शन नहीं रहेगा। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।